तो चलिए दोस्तों, लेकर आया आपके लिए एक और पिगी बैंक। एक और इसलिए क्योंकि पहले भी बहुत सारे पिगी बैंक जो है मैं अनबॉक्स यहाँ पे कर चुका हूँ। ये काफी दिनों से मेरे पास रखा हुआ था, दबा हुआ था कहीं नीचे, और आपको इसकी पैकिंग से लग ही रहा होगा कि ये कितनी नीचे कहाँ दबा हुआ है। तो आज जो है मैंने इसे अंदर से खींच के निकाला है और देखते हैं ये वाला पिगी बैंक कैसा है। फिलहाल थोड़ा सा डिफरेंट शेप का लग रहा है, फंक्शन देखेंगे कैसे हैं, अलग है या पहले वालों जैसे ही है। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि हम इसे ओपन करें, चलिए बॉक्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। एज यहाँ पे लिखा है भैया 3+, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है शेक द स्मार्ट वॉइस रिपोर्ट, मतलब यार वॉइस का भी कुछ होने वाला है क्या, वॉइस कमांड एसेट्रा। वैसे यार लिखते बहुत कुछ है बट होता बहुत कम चीज़ है। यहाँ पर रिमोट द बेबी ग्रो, बहुत सारी कुछ और चीज़ें वो बाद में देखेंगे। फीचर्स में अगर बोलूँ तो देख लो भाई, जिसको पढ़ना है ऑटोमेटिक रोल प्ले, कॉइन डिलीवरी, चेक द लैम्प फंक्शन, हैश की स्विच, सॉन्ग्स वगैरह भी हैं, और पासवर्ड बदल सकते हैं भैया, ये भी लिखा हुआ है। पीछे और भी डिटेलिंग दी गई है और फंक्शन डिस्क्रिप्शन। ओके, अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, ओपन करते हैं भैया इस पिगी बैंक को। सबसे पहले निकलता है ये, उसके बाद हमारा ये पिगी बैंक। ओहो, ये तो मतलब यार कुछ ट्रॉली टाइप है यार, ये मेरे को पता नहीं था इसके बारे में। अंदर कुछ इस तरह का है, कुछ पेपर है, इसको फेंक देते हैं पीछे। और ये है सेफ इंस्ट्रक्शन, ओके, पूरी की पूरी चाइनीज़ में। तो जल्दी से भाषा सीख लीजिए जिसको सीखनी है। और ये पिगी बैंक है, इसके बारे में बात करते हैं, बट पीछे का कचरा एक बार साफ कर देता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा पिगी बैंक, और जैसा डब्बे के बाहर से मतलब बड़ा ही बेकार सा लग रहा था, अंदर खोलने के बाद इतना बेकार नहीं दोस्तों, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अगर क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी मतलब प्लास्टिक की क्वालिटी यहाँ पे आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, मतलब बेकार बेकार सा प्लास्टिक नहीं, बढ़िया प्लास्टिक फिलहाल लग रहा है। आगे पिक्चर वगैरह भी ठीक ठाक लग रहा है। और ये ना मुझे मतलब ऐसे कुछ फोन डायल करते ना ऐसे ऐसे वैसा लग रहा है, बीच में फैन रेगुलेटर नहीं होता अपना वैसा है, बट शायद वैसे काम नहीं करेगा। तो ये है हमारा पासवर्ड वाला एरिया, यहाँ पे पासवर्ड लगाएंगे। यहाँ पे तीन और चीज़ें भी हैं जिसका इस्तेमाल जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिंगरप्रिंट का निशान यहाँ पे है, बट दोस्तों ये सिर्फ दिखावा होता है, एक्चुअल में फिंगरप्रिंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इसमें सिर्फ स्टिकर है। यहाँ पे कुछ लाइट्स वगैरह, ये म्यूजिक की ग्रिल मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो ये है इसके लंबे लंबे कान, जिसे पकड़ के आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। और ये है भैया नोटों की ग्रिल, मतलब यहाँ से नोट हम टच करेंगे और वो अपने आप घर करके अंदर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ से आप कॉइन वगैरह भी डाल सकते हो डायरेक्टली अंदर, यहाँ से मत डालना क्योंकि यहाँ पे रबड़ लगी रहती है भैया, बीच में फंस सकते हैं। तो यहाँ पे इतना ही था। तो पीछे की तरफ और देखेंगे तो भाई ये मैंने आपको बताया था, ये इतना ही होता है, इतना बंद हो जाता है। तो यही है, अगर इसे खींचे तो आप बोलोगे कैसे खींचोगे, नीचे क्या है। नीचे दोस्तों यहाँ पे ना बहुत ही अजीब से टायर, मतलब बहुत ही छोटे बट टायर तो हैं, मतलब इसको आप थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो तो आपको ना पता भी नहीं चलेगा कि टायर में हिल रहा है या फिर ऐसे ही हिल रहा है। मेरे को एहसास नहीं हो रहा है कि इसके पीछे ना टायर लगे हुए हैं। तो फिलहाल अब सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो चुकी है, अब क्या करना है, सिंपली भैया हम डालेंगे इसके पीछे बैटरीज और उसके बाद में देखेंगे कि नोट वोट कैसे जाते हैं। तो नोटों का भी इंतज़ाम कर लेता हूँ भाई मैं जल्दी जल्दी, ATM जाके पहले असली ATM जाके वहाँ से नोट निकाल लेता हूँ ताकि इसमें डाल सके। तो दोस्तों बैटरीज मैंने यहाँ पे डाल दिए और अब जो है वक्त है पासवर्ड डालने का, बट पासवर्ड बाद में डालेंगे यार, पहले ही ऊपर से नोट तो डाल लें इसके अंदर, उसके बाद ही तो खोलेंगे इसे। तो चलिए एक बार हम नोट डाल के देखते हैं भैया कितने स्मूथली जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ अलग अलग तरह के नोट ले लिए, 500 भी ज़्यादा हैं वैसे। तो सबसे पहले 500 का ही नोट एक बार डाल के देखते हैं भाई। तो आपने देखा कि एक मधुर संगीत हमें सुनाई दिया नोट डालने के बाद, लगभग 6 से 7 सेकंड शायद। तो यार वैसे बहुत तेज़ बज रहा था, इतने में तो सबको पता चल जाएगा कि मैं नोट डाल रहा हूँ इसके अंदर। अभी कंटिन्यूसली डालते हैं, तो दोस्तों यार
एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट करी, अब तक मैंने बहुत सारे जो है पिगी बैंक जो है वो मैंने अनबॉक्स किए, बट जब उनमें नोट डालते थे ना तो आवाज़ ऑलमोस्ट शायद एक जैसी ही आती थी, बट इसमें जो है हर बार म्यूज़िक चेंज हो रहा है। मतलब ऐसी कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बट कह सकते कि थोड़ा अलग है कि हर बार भैया यहाँ पे म्यूज़िक जो है वो अलग सुनाई दे रहा है अगर मैं लगातार इसमें नोट डाल रहा हूँ शायद से। तो चलिए 500 की बहुत नोट डाल दी, अब एक 200 का नोट डाल के देखते हैं कि भाई ये भी, अरे ये है। बहुत तेज बज रहा है ये 20 का नोट है दोस्तों। और ये है हमारा 10 का नोट। तो दोस्तों एक बात यहाँ पे मैं बता दूँ कि यार इसका जो मतलब नोट खींचने वाला सिस्टम है ना, मतलब बहुत सही है, सेंस बहुत जल्दी कर ले रहा है और मतलब बहुत अच्छे से नोट नीचे जा रहे हैं। और ये भी देख रहा हूँ ग्रिल भी काफ़ी चौड़ी है, मतलब इसमें ये तो बहुत मतलब पतले नोट है, इसके बाद देखिए कितनी जगह यहाँ पे बचती है। तो नोट के अलावा और भी कोई नोट वोट्स है ना उसे फोल्ड करके इसमें छुपा सकते हो आप। तो यहाँ से क्यों यार, वैसे हम यहाँ से भी तो डाल सकते हैं। बहुत लोग मतलब ये भी सोचेंगे ना, जब दरवाज़ा खुलता ही है तो भाई हम यहाँ से क्यों डालेंगे, हम तो दरवाज़ा खोल के ऐसे भी तो डाल सकते हैं ना एक साथ पूरी की पूरी गड्डी, हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो वो कैसे होगा, उसके लिए भैया हमें चाहिए पासवर्ड। तो पासवर्ड आपको पता ही है एज़ यूज़ुअल क्या होता है, 4 बार 0। अबे खुल जा, अबे ये क्या हो गया, तो 4 बार 0 ही लिखा हुआ था। दोस्तों मुझे अभी भी एक सत्य पता चला है, तो मैं अपने जो पुराने शब्द थे उन्हें वापस लेता हूँ। तो देखिए बात हो रही थी इस फिंगरप्रिंट की कि काम करता है कि नहीं करता है। देखिए मुझे विश्वास नहीं कि काम करता है, बट यहाँ पे कुछ कुछ तो है जिसकी वजह से क्या होता है, जब हमें पासवर्ड दबाना है 4 बार 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ पे ऐसे करना है तो ये ग्रीन लाइट जलेगी, उसके बाद आपको ये डोर ओपन करना है तो आराम से खुल जाएगा। अब मेरे साथ यहाँ पे क्या हो रहा था, आपने देखा भी होगा ये यार फिंगरप्रिंट का निशान यहाँ पे है, 1 2 3 4, मैं ऐसे दबा रहा हूँ इसे, अब कुछ हो नहीं रहा है। तो दिमाग ख़राब होगा कि नहीं होगा भाई, निशान यहाँ पे तो यहीं बना ना, यहाँ कहीं पे उनका हो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहीं पे कहीं सेंसर है बट स्टिकर जो यहाँ पे लगा हुआ है कैसे, 1 2 3 4। अबे यार ये तो मतलब मेरा ही काट रहे हैं बस लिए ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इसे ऐसे रहने देते हैं, मैं काटूंगा नहीं है, क्लिप ऐसी चलती रहेगी, थोड़ा इसको पॉज देते हैं 10 से 15 सेकंड का, उसके बाद एक बार फिर से ट्राई करेंगे। बंद भी है सही से, एक बार ऑन ऑफ करके देखता हूँ इसे। कहाँ है इसका सेंसर भाई, भाई मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं हाथ जुड़वा दिए भाई, इसने हद हो गई यार, इसने मतलब क्या करूं मैं इसे अब। ओ भाई साहब दो उंगली से खुल रहा है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार इसका पासवर्ड जो है ना वो चेंज नहीं हो रहा। आप कुछ भाई लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में ज्ञान देंगे, उससे पहले कि मैं आपको दिखा देता हूँ ये है भैया इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल, एक बार पढ़ लेना इसे पॉज करके और बताना मैं वैसे कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। सिंपली इसमें जैसा लिखा होता है कि सबसे पहले हमें अपना पासवर्ड जो है वो लगाना है, डोर ओपन करना है, और ओपन करने के बाद ये स्टार की दबानी है। अब स्टार की दबाने के बाद रेड एंड ग्रीन लाइट ब्लिंक करेगी, भैया कब करेगी, कहीं ब्लिंक नहीं हो रहा, कुछ ब्लिंक नहीं हो रहा यहाँ पे, बोला जब ये ब्लिंक करेगी तब पासवर्ड चेंज करना है। मैं आधे घंटे से लगा हूँ कि लाइट ब्लिंक होगी, अबे यार कुछ ब्लिंक नहीं हो रहा, तो मैं आधे घंटे से लगा था कि यार रेड एंड ग्रीन लाइट एक साथ ब्लिंक होगी तो मैं पासवर्ड चेंज करूँ और उसके बाद हैश की दबाऊँ उसे स्टोर करने के लिए, बट रेड और ग्रीन लाइट जो है वो एक साथ ब्लिंक ही नहीं हो रही दोस्तों। बहुत ट्राई कर लिया मैंने, तो आजकल पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, जो चीज़ लेके आ रहा हूँ कुछ ना कुछ मतलब फॉल्ट ही निकल रहा है उसमें। बट यार
चलो अब अपना डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 0 जो सबको पता चल गया है और कोई भी इसे खोल सकता है, तो मैं तो इसमें पैसे नहीं रखूँगा अभी फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे अगर वैसे बात करें ओवरऑल तो यार क्वालिटी वालिटी सब बढ़िया है, और प्राइस की बात करें तो 800 कुछ रुपए के आसपास मुझे मिल गया था। तो यहाँ पे अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करके जाना। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। कोई एक्सपेरिमेंट किट वगैरह मैं लेके आया हूँ और वहाँ पर हम करेंगे, सोलर वोलर से रिलेटेड कुछ लेके आऊँगा, काफ़ी दिनों के सोलर का कुछ किया नहीं है। तो चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।